प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज एक जनरल डिस्कशन करेंगे फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। फाइलम जो पॉरीफेरा है, उस पॉरीफेरा का जो मीनिंग होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले पोरस और फेरा, मतलब ये एनिमल ऐसे होते हैं जिनके जो बॉडी है उसके ऊपर आपको पोर दिखाई देंगे, यानी कि शरीर के ऊपर छिद्र जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इनको पोर बीयर या फिर छिद्रधारी एनिमल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि कुछ ये एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ आप ल्यूकोसिनिया देख रहे हैं, यूप्लेक्टला देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्पॉन्जिया जो है वो आप देख रहे हैं इसके अंदर, इसी तरीके से साइकन देख रहे हैं। इनके जो बॉडी है उन बॉडी के ऊपर आप जो ये छोटे छोटे होल दिखाई दे रहे हैं जिनको आप ओस्टियम कहते हैं, इन ओस्टियम के कारण इसका शरीर जो है मतलब आपको पोरस दिखाई देगा। तो इस तरीके से इसका जो फाइलम का नाम है, शरीर का छिद्रयुक्त होने के कारण इस तरीके से नाम पड़ा। तो इसके जो शरीर के ऊपर मिलने वाले जो बॉडी सरफेस के ऊपर पोर होते हैं उनको आप ओस्टिया के नाम से जानते हैं। इस फाइलम पोरीफेरा को सबसे पहले जो स्टडी किया गया था वो अरिस्टोटल ने किया था, और इनको इन्होंने जो है स्पंज के नाम से दिया था, क्योंकि इनके जो बॉडी या जो एनिमल का जो शरीर है टेक्सचर में जिस तरीके से एक स्पंज होता है उसके समान इसका शरीर जो है वो दिखाई देता है। इसी तरीके से रॉबर्ट ग्रांट ने जो है सबसे पहले इनको जो है मतलब एनिमल के अंदर इंक्लूड करते हुए, और इसका एक फाइलम पोरीफेरा जो है उस फाइलम पोरीफेरा के अंदर उसको इन्होंने क्या किया था, सम्मिलित किया था। देखिए, ये पहले जो एनिमल थे इन एनिमल को एक तरीके से कोई इस तरीके से स्पेशल एनिमल की कैटेगरी में नहीं रखा था। तो रॉबर्ट ग्रांट ने जो है सबसे पहले 1825 में जो है सबसे पहले इसको फाइलम पोरीफेरा के अंदर इसको जो है शामिल किया था। अब हम एक जो है ब्रीफ रिव्यू, यानी कि एक सामान्य जो है इसके करेक्टर के बारे में आप यहाँ फाइलम पोरीफेरा के जंतु के बारे में यहाँ देखेंगे। इसमें ये जो आपको डायग्राम जो दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर आप एक जनरलाइज जो साइकन है या फिर पोरीफेरन एनिमल की जो स्ट्रक्चर है उसको आप देख रहे हैं इसके अंदर। तो एक एक करके जो इसके पॉइंट है उनको हम डिस्कशन करते जाएंगे। सबसे पहले अपने डिस्कशन करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर फिक्स्ड या सिंगल और कॉलोनियल एनिमल, डीप सी एनिमल होते हैं ये, यानी कि इनकी बात करें ये समुद्र की गहराई के अंदर जो है किसी भी सरफेस से जुड़े हुए ये एनिमल होते हैं, जो या तो सिंगल होंगे या फिर ये मतलब कॉलोनी के रूप में ग्रुप में ये जो है पाए जाते हैं। जैसे अपने पीछे डायग्राम में देखे थे, उस डायग्राम में इस तरीके के जो मतलब एनिमल का जो ग्रुप है वो इसके अंदर देख रहे थे। लेकिन कुछ स्पंज ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं, यानी कि फैमिली इसकी स्पॉन्जिलिडी जो फैमिली है उसके अंदर आपके जो स्पंज है वो फ्रेश वाटर, यानी कि हमारे जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर मिलने वाले जो भी हैबिटेट है उसके अंदर आपको ये ज़रूर मिल जाते हैं इसके अंदर। फिर बात करेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर बॉडी सरफेस जो है उसके ऊपर पोर होते हैं उनको आप ओस्टिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसके अंदर बॉडी के अंदर जो पोर जो इसके अंदर होता है, इस पोर के थ्रू इसके अंदर की तरफ शरीर के अंदर पानी का जो है प्रवाह होता है, यानी कि इसके शरीर के ऊपर मौजूद जो ओस्टिया है उन ओस्टिया से शरीर के अंदर क्या होगा, पानी अंदर की तरफ एंटर करेगा, और अंदर स्पॉन्जोसील से होता है वह एक मेन आउटलेट होती है ओस्कुलम, उस ओस्कुलम से बाहर की तरफ शरीर के पानी क्या हो जाता है, निकल जाता है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन करते हैं इसके अंदर, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इसकी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर एक तो आपको एक्टोडर्म के रूप में पिनेकोसाइट से बनी हुई पिनेकोडर्म जो डायग्राम में यहाँ इस तरीके से मैं इसमें मेंशन कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में बाहर की तरफ जो मिलने वाली लेयर है, ये जैसे कि सबसे पहले अंदर की तरफ जो लेयर के रूप में आउटर जो सरफेस दिख रही है, इस सरफेस के अंदर ये इस तरीके से पिनेकोसाइट से बनी हुई जो सेल की लेयर है, तब इस वजह से इसे पिनेकोडर्म के नाम से जानते हैं। जबकि एंडोडर्म जो है इसके अंदर उसको आप एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसे आप क्वाइनोडर्म कहते हैं। क्वाइनोडर्म जो है वो ये आपको डायग्राम में जैसे कि मैंने अभी मार्क कराया, ये इनर सरफेस के अंदर मौजूद होती है,
ठीक है। इनर सरफेस में मौजूद ये जो लेयर है वो स्पेशल टाइप की इस क्वाइनोसाइट सेल से ये क्या होता है, बना होता है। एक बार दोबारा से जो है इसको जो है मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये जो आपको दिख रही है ये क्वाइनोसाइट सेल, जिसको आप कोलर सेल भी कहते हैं, ठीक है। और हम जो है यहाँ इस क्वाइनोड्रम के बारे में बात करें, इसके अंदर इस कोलर सेल वाली जो क्वाइनोड्रम सेल है या क्वाइनोसाइट जो सेल है, इसको यदि आपने जूम करके देखें तो इसमें देखो कि भी एक साइड की तरफ ऊपर की तरफ आपको इसमें जो है ये प्रोटोप्लाज्मिक जो है कोलर दिखाई देगी, और ये सेल का मेन हिस्सा होता है। और इस सेल के मेन हिस्से के अंदर न्यूक्लियस, और इस सेल से ही एक जो है इसके अंदर फ्लैजेला निकलता है। यहाँ आप जो इसके अंदर देख रहे हो इस लेयर के अंदर, ये इस तरीके से अरेंज जो कोलर सेल या क्वाइनोसाइट सेल जो है वो बहुत सारे काम को परफॉर्म करती है। क्योंकि देखो इन एनिमल के शरीर के अंदर जो पानी है वो निरंतर प्रवाहित होना ज़रूरी है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि भी वाटर करंट का फ्लो होना ज़रूरी है। तो उस वाटर करंट फ्लो को बनाने के लिए ये फ्लेजिला जो इसके अंदर क्वाइनोसाइट की जो क्वाइनोड्रम है उससे जनरेट किया जाता है। साथ में और बहुत सारे कार्य होते हैं इसके, क्वाइनोसाइट जो सेल है या कोलर सेल जो है वो इसके जो फूड है उस फूड को इनटेक करने यानी कि फीडिंग करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। ऐसे ही और बहुत सारे जैसे कि अपने जो रिप्रोडक्शन के अंदर यदि हम बात करें, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर जो स्पर्म है उनको ये क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा बात रहेगा कि भी इसके जो एक आउटसाइड द एक्टोड्रम एंड इनसाइड द एंडोड्रम देर इज ए मिडल लेयर दैट इज़ नोन एज मीजोगैलिया। इसको आप कहते हैं मीजोगैलिया। मीजोगैलिया एक्चुअल के अंदर ये एक इनिशियल स्टेज है मीजोड्रम की, यानी कि ये अभी सेल के रूप में नहीं आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बात करेंगे मीजोगैलिया। एक्चुअल में ये जेलेटिन पदार्थ से बनी हुई एक तरीके से लेयर होती है जिसके अंदर बहुत सारी सेल होती है। साथ में एंडोस्केलेटन के रूप में इसके अंदर आपको जो है बहुत सारे स्पिक्यूल जो है वो इसके अंदर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो मीजोगैलिया जो है वो एक्चुअल के अंदर इसकी मिडल लेयर होती है जो मीजोड्रम के इक्विवेलेंट होती है, लेकिन ये एक तरीके से कॉम्पैक्ट जो टिश्यू है उसके रूप में नहीं होती, जिलेटिन पदार्थ से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट अपने बात करें मीजोगैलिया है, मीजोगैलिया के अंदर जो है मतलब अंदर की तरफ बहुत सारी सेल पाई जाती है और वो अमीबोसाइट नेचर की होती है। अमीबोसाइट्स मीन्स क्या हो गया, कभी इनकी इररेगुलर शेप होती है। इनके कुछ स्पेशल टाइप जो है मतलब सेल के अमीबोसाइट के, उसमें एक सेल होती है आर्क्योसाइट सेल। आर्क्योसाइट सेल जो है वो टोटिपोटेंट नेचर की होती है, आप उसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण आसक्त। पूर्ण आसक्त या टोटिपोटेंट का मतलब ये होता है कि भाई ये सेल ऐसी है जो इस एनिमल के हर एक सेल को बनाने की क्षमता रखता है। क्षमता रखने का मतलब क्या हुआ कि भी ये सक्षम है जंतु की सारी सेल को बनाने के अंदर। ऐसे ही हमारे बात करें हमारे कॉर्डेट जंतुओं के अंदर बोन मैरो एक ऐसी सेल है, या इसे आप एक क्लोन सेल भी बोल सकते हैं, मतलब ये कैपेबल है हर तरीके के जो सेल है उसको बनाने के लिए, ठीक है। साथ ही इसके अंदर इस मीजोगैलिया के अंदर कोलेनोसाइट सेल जो है वो पाई जाती है जो मतलब एक नेटवर्क बनाती है। इसी तरीके से क्रोमोसाइट सेल एक्चुअल के अंदर इसके अंदर पिगमेंटेशन या कलरनेशन के लिए ये कुछ इस तरीके से बनाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हो अमीबोसाइट सेल जो है उसका एक डायग्राम जो है बीच के अंदर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। फिर बात आती है इसके अंदर बॉडी हैव कैनाल सिस्टम। इसके शरीर के अंदर जो अंदर की तरफ पानी एंटर करने के लिए ओस्टिया, उस ओस्टिया के आगे की तरफ जो है पानी एक फिक्स डायरेक्शन से होता हुआ स्पंजोसील के अंदर जाता है। इस स्पंजोसील के अंदर, तो स्पंजोसील के अंदर किस तरीके से जाएगा, तो उसके लिए कुछ स्पंज ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बॉडी वॉल इनफोल्ड होकर कुछ कैनाल की फॉर्मेशन करती है, तो उसके थ्रू ही पानी जो है वो अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। तो कैनाल सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। कैनाल्स ओपन इनटू स्पंजोसील। देखो ये स्पंजोसील क्या होता है, एक्चुअल के अंदर एनिमल के अंदर पाए जाने वाली एक मेन अंदर की तरफ स्पेस होता है जिसमें जो डर्मल ओस्टिया से आए हुए या कैनाल से आया हुआ पानी इकट्ठा होकर और बाहर की तरफ ओस्कुलम से निकाल दिया जाता है। तो ओस्कुलम इज ए आउटलेट, या हम कह सकते हैं इससे पानी जो है वो बाहर की तरफ निकलने की ये क्या होती है
स्ट्रक्चर है जिससे स्पंजोसील से पानी जो है वो क्या होता है बाहर की तरफ निकलता है इसके अंदर। ठीक है, बात करते हैं अपने जो कैनाल सिस्टम है, इस कैनाल सिस्टम का उपयोग क्या है। कैनाल सिस्टम जो है वो न्यूट्रिशन यानी कि फूड वगैरह उसको रिसीव करवाने के अंदर भी काम करता है, रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प देता है और एक्सक्रीशन के अंदर भी हेल्प देता है ये, और गैमेट ट्रांसफ़र के अंदर भी क्या करता है ये हेल्प करता है। कैसे, जैसे कि न्यूट्रिशन में जो कैनाल सिस्टम के थ्रू जो पानी अंदर एंटर करता है उससे फूड मटेरियल जो है वो न्यूट्रिशन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, इसी से बॉडी सरफेस से जो पानी इसके सरफेस से जो फ्लो हो रहा है उससे डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन भी होता है। इसी तरीके से एक एनिमल का बना हुआ गैमेट जो है वो दूसरे एनिमल तक पहुँचे रिप्रोडक्शन के अंदर, उसके लिए भी यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भी हमारे ये कैनाल सिस्टम क्या करता है अपना एक तरीके से बेनिफिशियल होता है या फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर इन मीजोगेलिया, मीजोगेलिया के अंदर एंडोस्केलेटन के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने हुए स्पीक्यूल और स्पंजिन फाइबर, एक्चुअल में इसके अंदर की तरफ जो आप देखोगे कि भी जो मीजोगेलिया है उस मीजोगेलिया के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगी जिनको आप स्पीक्यूल कहते हैं। ये स्पीक्यूल आप देख रहे हो इसके अंदर एक तरीके से जो मीजोगेलिया के अंदर की तरफ मौजूद है, ये एक रोड जैसी स्ट्रक्चर, ये ट्राइंगुलर जैसी स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है स्पीक्यूल अंदर की तरफ मौजूद है। ये स्पीक्यूल जो है वो एक्चुअल में या तो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं या सिलिका से बने होते हैं, जबकि कुछ स्पंज ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन नेचर के कुछ स्पंजिन प्रोटीन से बने हुए फाइबर भी जो है एंडोस्केलेटन को बनाते हैं। तो इस तरीके से इसका जो मजबूत अंदर की तरफ मीजोगेलिया के अंदर मिलने वाला जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट की स्पीक्यूल और स्पंजिन फाइबर से बना होता है। बात करते हैं अपने इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, तो ये यूनिसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल दोनों कंडीशन इसके अंदर हो सकती है, लेकिन इनके अंदर कोई डेफिनेट गोनेड नहीं पाए जाते। जैसे हमारे मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी होता है तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है इसके अंदर, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन ज़रूर होती है और वो बेसिकली जो है वो आर्कियोसाइट सेल से इस तरीके से जो है मतलब गैमेट बन जाते हैं उसके अंदर। रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मेथड जिसमें आप बडिंग को इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ ही आप जेम्यूल को यूज करेंगे, मतलब जेम्यूल से भी आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग, बडिंग तो एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें एक आउटग्रोथ निकलती है एनिमल के जो है इस तरीके से, और इस आउटग्रोथ से जो है मतलब एनिमल पूरा का बन जाता है और वो अलग होकर क्या करता है एक तरीके से एनिमल को नया बना लेगा। जेम्यूल जो है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जो इस मीजोगेलिया के अंदर बनती है। अगले जो पेज है उसके अंदर हम इसके डायग्राम को भी डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर एक और एसेक्सुअल का तरीका, इसके अंदर रीजनरेशन, बॉडी पार्ट यदि किसी कारण से फिजिकली डैमेज यदि हो जाता है तो वो टूटा गया जो पार्ट है वो एक तरीके से पूरा एनिमल भी बना सकता है और साथ में जो है टूटे गए हिस्से की बहुत जल्दी जो है क्या हो जाती है रिकवरी भी हो जाती है इसके अंदर। बात करते हैं अपने इसके रिप्रोडक्शन के अंदर एक और तरीका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम बात करें इसके अंदर, मतलब एक एनिमल के बने हुए गैमेट और दूसरे एनिमल तक क्या है जाते हैं और फिर वो उसके दूसरे एनिमल के अंदर की तरफ फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये बहुत ही एक एडवांस जो है मतलब हम करैक्टर मान सकते हैं, हालांकि एनिमल बहुत सरल है सिंपल है लेकिन फिर भी इसके अंदर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये बहुत ही बढ़िया जो है इसके अंदर एक तरीके से करैक्टर मिल रहा है इसके अंदर। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इट मीन्स इसके अंदर लार्वा बनेगा। लार्वा के दो टाइप है, एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला, ये दो लार्वा है, इनके डायग्राम हम अभी नेक्स्ट पेज के अंदर देखेंगे। देखो अभी हम यहाँ देख रहे हैं इसके अंदर, पहले तो सबसे पहले इसके एम्फीब्लास्टुला के लार्वा की स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसके अंदर, यानी कि एक तरीके से ब्लास्टुला है, लेकिन जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो ब्लास्टुला का रिवर्स जो है मतलब प्रोसेस होने से ये एम्फीब्लास्टुला जो है वो बना है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पैरेन्काइमुला लार्वा, इसमें आप देखो ये माइक्रो मीयर्स है और ये नीचे की तरफ मैक्रोमीयर्स है। ठीक है, आपको दिख रहे हैं इसमें, तो ये इसकी स्पेशलिटी है। आप ये देखो स्पीक्यूल्स जो है इसके अंदर देख सकते हैं, स्पीक्यूल्स के अलग अलग टाइप, ट्राई रेडिएट,
ठीक है, हेक्सा रेडिएट, इसी तरीके से मोनो एक्टिनल, मतलब दोनों तरफ जो है इसके ग्रोथ हो रही है, टेट्रा एक्टिनाइल, और इसी तरीके से ये बहुत सारी जो ब्रांच निकलने वाला जो इसके अंदर आपको स्पिक्यूल दिख रहा है इसके अंदर। अब लास्ट वन जो आप इसके अंदर देख रहे हो वो है इसके अंदर स्पंज जेम्यूल। स्पंज जेम्यूल जो आप इस डायग्राम में देख रहे हो ये एक स्पेशल कंडीशन के अंदर बनने वाली एक इंटरनल रीजनरेटिंग बड है, कलिका का एक रूप है, जो एडवर्स कंडीशन के अंदर इनके मीजोगेलिया के अंदर बनती है। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हो कि भी ये आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ये जो ग्रुप ऑफ सेल है वो है आर्क्योसाइट सेल का, आर्क्योसाइट सेल। ये हमने पहले ही बात करा, क्लोन सेल होती है जो एक माइक्रोफॉयल, ये मतलब ये अंदर की तरफ जो एक ग्रुप जो है वो एक माइक्रोपाइल के थ्रू जो है बॉडी की तरफ जो है खुलती भी है। ये क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन यदि आए तो उस कंडीशन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से जर्मिनेट होकर पूरे के पूरे कंप्लीट जो एनिमल है उसको क्या कर सकती है, बनाने के अंदर सक्षम होती है। तो इस तरीके से हमने एक जर्नलाइज जो फाइलम पोरीफेरा है उसके बारे में चर्चा करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और कुछ जो जनरल इसके एनिमल है उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।